हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट मैं लेकर आ चुका हूं। आपको बताने वाला हूं कि एक और न्यू भर्ती आप सभी के सामने आ चुकी है, वो भी सरकारी अध्यापकों की। अगर मेरी बहन कोई भी लगना चाह रही है तो अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर लेना। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कहाँ कहाँ पर फॉर्म निकले हैं, कितने पदों के ऊपर निकले हैं, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई होंगे, इस विषय में आपको जो भी सरकारी अध्यापक लगना चाह रहा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जल्द से जल्द देखिए, क्योंकि आने वाली हर जानकारी आपको सबसे पहले बताई जाती है। और हर एक जानकारी जुड़ने के लिए अभी तक आपने कोई भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अध्यापकों की जो भी भर्ती आएंगी, जो भी अपडेट आएंगे, उसके विषय में हर एक जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि आपको पहले बताया था कि 11,000 के लगभग पद आपके HSSC विभाग के थ्रू सरकारी पदों पर आने वाले हैं, और साथ में 9,000 जो पद है आप सभी के अध्यापकों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आने वाले हैं। तो आने वाली भर्तियों के हर नोटिफिकेशन आपको दिए जाते हैं, हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। फिर भी भाई और बहनों, आपको कोई डाउट होता है, अगर आपने भविष्य के अंदर कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म लगा रखा है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट हो, अगर उसके विषय में आपको नहीं अभी तक कोई ऑफर लेटर मिला है, नहीं कोई आपको जानकारी मिल पा रही है उस भर्ती को लेकर, तो एक बार कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इश्यू है, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। और उसके विषय में जो भी नोटिफिकेशन फिलहाल प्रेजेंट में आ रखा होगा, तो आपको स्टिक जानकारी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको है वो जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर कोई टेलीग्राम पर भी मैसेज करना चाह रहा है पर्सनली, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहां से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। तो भाई और बहनों, अध्यापकों के लिए क्या पोस्टों के लिए किस प्रकार की एक बड़ी खबर आई है, आप सभी को दिखाते हैं, बताते हैं क्या ये फॉर्म हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अप्लाई होंगे या कोई परमानेंट नौकरी रहने वाली है, सरकारी नौकरी रहने वाली है। तो उसके विषय में एक बार आपको डिटेल से समझा देता हूं, पूरी जानकारी दे देता हूं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरा सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा गया है कि JBT और TGT के पदों पर 20 से शुरू होंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा आज की अपडेट रहने वाली है, और आज से फोरम को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके अंदर क्या लिखा गया, मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी, मेरिट लिस्ट टेस्ट मार्कर्स के आधार पर होगा सिलेक्शन। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये आपका न्यूज़पेपर की कटिंग आपको साफ साफ दिख रही होगी, इसमें क्या लिखा गया एक बार डिटेल से आप सभी समझिए और पढ़िए। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग स्पेशल एजुकेशन JBT और TGT के पदों पर रिक्रूटमेंट शुरू कर रहा है। इसके लिए सिर्फ ऑफलाइन, जो आपका ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाने वाली एप्लीकेशन ली जाएंगी, अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई करेगा तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अन्य किसी माध्यम से आने वाली कोई भी एप्लीकेशन खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगी, आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है। 20 सितंबर सुबह 11 बजे से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, 12 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आज 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर 12 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, अभी भी आपके पास में 22 दिन पेंडिंग है, 21 से 22 दिन आपके पास में पेंडिंग। अगर मेरी बहन कोई भी लगना चाह रही है हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाह रही है, TGT PGT के जो पदों के आई है, तो आपको अध्यापक की नौकरी दी जा रही है, जिसके अंदर आपको 16 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक आपकी फीस जमा होगी। अगर आपकी फीस अगर 16 तारीख तक आप पे करेंगे तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन है वो जमा हो जाएगी और आपका फॉर्म भरा जाएगा। स्पेशल एजुकेटर TGT के 49 वैकेंसियों में से 22 तो जनरल कैटेगरी की है। इसमें 49 जो TGT की भर्ती होने वाली है पदों पर, 22 तो जनरल कैटेगरी की है, जबकि जो बाकी रहेंगे वो रिजर्व रहने वाली है। वही स्पेशल एजुकेशन आपका रहेगा JBT वालों का, उसके अंदर आई है 47 वैकेंसियां, जिसके अंदर 23 तो आपकी जनरल की रहने वाली है, बाकी आपकी रिजर्व कैटेगरी इसमें डाल रखी है। तो आपको बताना चाहूंगा 49 वैकेंसियां तो आपकी TGT की रहने वाली है, 47 वैकेंसियां आपकी JBT की रहने वाली है। अगर मेरे भाई और मेरी बहन कोई भी JBT कर रखी है तो अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना, क्वालिफिकेशन आपके पास में होगी। आपको पता है कि अध्यापक के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं, ग्रेजुएट पास प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, प्लस में आपका स्टेट क्लियर होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर मेरी बहन कोई भी अप्लाई करना चाह रही है तो बिल्कुल आराम से कर सकती है। क्वालिफिकेशन का आपका किस प्रकार के क्राइटेरिया रखा गया है, एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कैंडिडेट जो भी होंगे 1,000 रुपया फीस आपका नॉन रिफंडेबल फीस जमा करवानी होगी, सबको 1,000 रुपया फीस पे करना पड़ेगा। वही SC और जो कैंडिडेट होंगे उनका 500 रुपया फीस लगेगा, जो भी डिसेबिलिटी
जो पर्सन होगा उसको छूट दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जमा करवाने से उसको छूट दी गई है, उसका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हासिल किए गए अंकों के आधार पर की जाएगी। 150 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% अंक लेने होंगे। सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, जिसके अंदर एज लिस्ट जो लिमिट है बात करें तो 1 जनवरी 2023 को 37 साल तक की उम्र होनी चाहिए। आप सभी की 37 साल तक की उम्र वाले अप्लाई कर पाएंगे। सेलेक्ट होने पर जो आपका टीजीटी वाले विद्यार्थी होंगे, जो भी आपका सिलेक्शन होगा, 9300 लेकर 34800 प्लस में ग्रेड पेमेंट आपको मिल जाता है और 4600 रुपये आपको ग्रेड इसमें दिया जाएगा, ये आपकी पेमेंट रहेगी। जेबीटी वालों को 9300 रुपये प्लस में 34800 प्लस में 4200 रुपये का प्रतिमाह उसको जेबीटी के तहत ग्रेड दे दिया जाएगा। तो जेबीटी वालों को इसमें 400 रुपये ही कम है, सेम आपका सैलरी लेने वाला है टीजीटी वालों का, जिसमें जेबीटी वालों का। तो अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर लेना। 49 वैकेंसियां 1 आ रखी है 47 वैकेंसियां आपकी जेबीटी की आ रखी है। तो जो भी मेरी बहन अप्लाई करना चाह रही है, लंबे टाइम से आप सभी बोल रहे थे सर अध्यापकों की वैकेंसी कब आएंगे, लो आप सभी के लिए HSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फॉर्म चालू हो गया है। अपना फॉर्म सभी अप्लाई कर लेना, जिसके अंदर ओबीसी जनरल वालों की 500 रुपये फीस नहीं लगेगी, 1000 रुपये फीस लगेगी, SC ST वालों की 500 रुपये फीस लगेगी और बाकियों की जो भी डिसेबिलिटी जो पर्सन होगा सबका 0 रुपये फीस रहने वाला है। तो मेरी बहन कोई भी अप्लाई करना चाह रही है तो उसको हर टाइप से करंट कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसी बता दी है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना है वो भी बता दिया है, साथ में आपको पेमेंट क्या मिलेगा वो भी बता दिया। एज आपकी 37 साल तक की अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। अगर आपकी 37 साल तक एज के अंडर में आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और आपको कोई भर्ती का अपडेट नहीं मिल पा रहा है, कोई भी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही किसी भर्ती को लेकर, तो मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले हर भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, हर एक जानकारी आपको मिलेगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है तो भाई गुरु बहनों कमेंट करके जरूर बताया करो। कमेंट लिखने में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल आराम से कमेंट लिखा करो, मैसेज लिखा करो, क्योंकि आपका जो भी नोटिफिकेशन है हमें तभी पता चलेगा कि आपको कौन सी भर्ती के नोटिफिकेशन चाहिए, आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। आने वाले हर भर्तियों के नोटिफिकेशन तो आपको बताते रहते हैं, फिर भी आपका कोई ऐसा डाउट रहता है तो बिल्कुल आराम से सभी भाई और बहन पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप अपने छोटे भाई का वीडियो सभी देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं। आपके लिए जो भी अच्छे अच्छे अपडेट्स आते रहते हैं मैं कंटिन्यू आपको बताता रहता हूं, आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाले हर भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवाएंगे। और अभी तक जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा वो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। तो भाई और बहनों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।